So very very good evening class. Today uh, in this second introduction class of the paper two, we will be discussing that what are the free resources are available on our platform. You should must visit right. So there a lot of the content uh, are available on our platform, which is to be discussed very important right. So like for an example, if you go to the sections that in UGC NET exam here, it is the mino. If you are looking over it here so we'll see that ugc net exam okay so once you will click here and you will come to uh, the panel here like the by ugc net and net grf uh, qualified experience download previous papers paper to mass communication so once you click on in it, in it so you will be redirected over here and you will see that lot of the content and sections the by sections are here connected okay so like for an example e notes library Syllabus PYQ, matching, live classes, mock test, and quick revision. Daily mass communication quiz. So this kind of the things are there. Like for an example, we will show you that uh, daily mass communication quiz, which is also known as the MCQ, right? In the case of paper one, it will be known as daily multiple choice questions. Where in the case of paper two, it is called daily mass communication quiz. So these are free resources.

बहुत सारे सेट्स हैं इतने सारे सेट्स हैं, इसको आपको करना है राइट? Right? सो so, इतने सारे सेट्स इच एंड एवरी क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन आर हियर विद द क्वेश्चन सो विल शो यू एज एन एग्जाम्पल आपको हम मैं एग्जाम्पल एक uh, कोई भी दो एग्जाम्पल uh, uh, के लिए मैं आपको शो करूंगा किस तरीके से आपको दिखता है ये आपको वेरी बेसिक चीजें हैं हम इसे जरूर करवाते टेन क्वेश्चन आपको कितना क्वेश्चन मिलेगा दस क्वेश्चन मिलेंगे हर सेट में राइट सो हेर द फोर्टी फाइव सेट आर अवेलेबल पैंतालीस सेट्स हैं अगर फोर्टी फाइव को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल राइट इट मीनस दैट 450 questions are there in the dmcq which is freely available in the public domain so why should you should uh, not go for it right so you should definitely go for it so that is available from the day 1 to the day 5 right that is daily mass communication quiz okay so in this case what you have to do you have to open the uh, like for an example i am opening any of the courses right any of the uh, dmcq that is day 3

So, similarly here it is all the explanations are given of the each and every questions. So, till 10 videos are also available on the DMCQ. So, question 6, 7, eight, nine.

सब्जेक्ट ओके सो इट इज कम्पराइजेस विद ईच एंड क्वेश्चन होते हैं और आपके बहुत ही बेसिक और बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं तो आपको इसे कंप्लीट करना है डे वन से लेकर डे फोर्टी इट इज द फर्स्ट टास्क विच जनरली आई प्रोवाइड टू द ईच एंड एवरी एक्सपेरियंट्स ऑफ द एवरी बैच राइट सो यू शुड गो थ्रू दैट लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ क्वेश्चन अगर आप देखेंगे यू विल बी अंडरस्टैंड दैट हाउ सो सो इजी क्वेश्चन राइट आपको कितना इजी क्वेश्चंस पूछा गया है कि कौन सा न्यू मीडिया का एग्जांपल है तो न्यू मीडिया का एग्जांपल आप इजली बता सकते हैं ये है नहीं एफएम रेडियो है नहीं टेलीविजन नहीं है सो ब्लॉग इज एग्जांपल ऑफ द न्यू मीडिया राइट सो वेरी बेसिक क्वेश्चन वाई द ब्लॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मीडिया सो एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सोर राइट सिमिलरली मास मीडिया की इक्नोलॉजिकल जो इवोल्यूशन से वो क्या है कैसे कैसे मास मीडिया स्टार्ट हुआ पहले क्या आया रेडियो आया न्यूज़पेपर आया फिल्म आया टेलीविजन आया उसकी आपको सीक्वेंस में क्वेश्चंस दिया हुआ है तो ये सारे क्वेश्चंस बेसिक होते हैं इसको आपको जरूर कवर करना है ओके okay? बिल्कुल आरती आपको हमने जो भी बताया उस पर आप फोकस कीजिए आपको आपको कवर हो जाएगा बहुत ही फोर मंथ्स का कोर्स uh, है राइट सो डोंट वरी फॉर दैट आप मेरे साथ चलिए और डेफिनेटली इट विल बी कवर्ड राइट सो फोकस ऑन द सब्जेक्ट व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग टू यू आपको कंप्लीट करना है कवर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको क्वालिफाई करना है राइट right? कवर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करना है सो यू शुड बी कंसनट्रेट ऑन वॉट वी आर एंड सेट वी आर फोकसिंग ओके सो हाइएस्ट फिल्म अवार्ड इन इंडिया लाइक सी और कौन सा हाइस्ट फिल्म अवार्ड इंडिया में कौन सा हाइएस्ट फिल्म अवार्ड है तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है देखना है ठीक है साइट क्या है देखिए यहाँ पे कितने बेसिक क्वेश्चन है राइट जो हम लोग बीजेएमसी में पढ़ते थे बैचलर जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशंस, बैचलर कोर्सेज में वो सारे चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है कि साइट क्या होता है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट थ्योरी जो है वो किसने दिया ये सारे बहुत ही बेसिक और बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आए, आए हैं राइट right? अगर आपको इस बार के एग्जाम अगर क्वेश्चन आपको देखने हैं तो आपको हम जरूर शो करेंगे ठीक है वंस द क्लास विल स्टार्ट विल शो यू द क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर दैट व्हाट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस वाज आस्क्ड इन दिस ईयर राइट सो यू शुड बी वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट आफ्टर कवरिंग द डीएमसी राइट आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप डीएमसी क्यू एक बार कवर कर लेंगे डीएमसी क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है सो मेजरली आई फोकस इंटरनेट सबसे पहले कहाँ डेवलप हुआ राइट right? इंटरनेट सबसे पहले कहाँ आया तो दैट इज यूएस राइट यूनाइटेड स्टेट्स में है तो so, ये कितनी बेसिक क्वेश्चन बिना बेसिक और बिना फंडामेंटल आपका स्ट्रॉग नहीं रहेगा फंडामेंटल नहीं है तो आप क्या ही आप कैसे आगे की तैयारी राइट सो इट इज वेरी मच टू कवर इीएमसी डीएमसी क्यू कवर करने हैं ठीक है तो मैं इसकी आपको डेडलाइन भी दूंगा राइट विल विल स्टार्ट फ्रॉम द मंडे ऑनवर्ड्स विल गिव यू दैट दिन आई वॉन्ट दिटेन नोट द एमसी क्यू राइट सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट because uh, this is uh, not in our syllabus it is the very basic of the which you have already studied in the bachelor and the masters right so aapko is sare ke notes banane hain so aur detailed mein iski baat karenge hum uh, aane wale sessions mein right aane wale sessions mein aur detail mein hum baat karenge on monday ko right इसके अलावा और भी discuss कर लेते हैं और क्या क्या freely content available है DMCQ के अलावा so, DMCQ के अलावा अगर आप देखेंगे you will see here that कि आपको मीडिया पर्सनालिटी रिलेटेड ये इसके तरीके के भी क्वेश्चन बहुत आते हैं यू सुट गो थ्रू और बहुत ही कंसाइज और क्रिस्प वे में यहाँ पे सारी चीज बताया गया है इफ यू लुक ऑन इट यू विल बी एबल टू सी दैट वट द ऑल द मीडिया स्कॉलर्स एंड द फिलोस थिंकर्स ऑथर्स ने क्या कहा किस टर्म को दिया है क्या बुक लिखे हैं वो सारी इसमें मेंशन है बहुत ही क्रिस्प में आपको किसी भी विकीपीडिया पढ़ने की जरूरत नहीं है वहां पर आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन अगर आप जाए तो आप पढ़ सकते हैं लेकिन आपको बहुत ही क्रिस्प इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पे मेंशन किया गया जो एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है लाइक फॉर एग्जाम्पल हेयर यहाँ पे आप देखेंगे एल्विन टॉफलर की बात की गई है एलविन टॉफलर कौन थे ठीक है उन्होंने क्या टर्म दिया उन्होंने क्या बुक लिखा ठीक है वो बुक जो है बेसिकली क्या डिस्क्राइब करता है व्हाट बेसिकली द बुक डिस्क्राइब राइट हु वाज द टॉफलर व्हाट ही गिव इन द टर्म सो ईच एंड एवरी थिंग्स इज इन इट राइट सो सिमिलरली इफ यू गो थ्रू द नेक्स्ट सो विल बी एबल टू सी आप देखेंगे अगस्त कॉम्प्टे के बारे में है ठीक है अगस्त कॉम्प्टे ने क्या टर्म दिया सोशोलॉजी का टर्म दिया पॉजिटिविज्म का टर्म दिया पोस्ट पॉजिटिविज्म का टर्म दिया

there are lot of the things there are lot of the content which is uh, other than the study material which we provide you right so you should be also focused on it right ye aapko sare focus karna hai sare exam mein questions puche jate hain theek hai बहुत ही important है बहुत ही Charles एंडर्स पियर्स की theories हम पढ़ेंगे classes में कि Charles एंडर्स पियर्स ने क्या कहा इससे related बहुत सारे questions आए Charles चार्ल्स एंडर्स पियर्स को लेकर राइट right? बेसिकली नोन एज द फादर ऑफ प्रेगमेटिज्म प्रैक्टिकल चीजों को ज्यादा उन्होंने फोकस किया राइट डेनियल बेल है डेविड बेर्ट सो में कैर है एवर्ड एम रोजर्स है ये right? so, सारे कौन से थ्योरी दिया क्या चीजें हैं देखिए अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें अर्लीप्टर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अर्ली अडोप्टर का टर्म जो है वो किसने दिया सो so, आप कैसे बता पाएंगे

सेक्शन uh, आपको इस सेक्शन से जाना है ये सारे सेक्शन में आपको क्या मिलेगा यही सारी चीजें आपको मिलेगी राइट right? सारे पर्सनालिटी मीडिया के जितने बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ हैं थिंकर्स हैं वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है राइट सो यू शुड बी गो थ्रू दैट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे राइट right? So, uh, आगे अगर बढ़े तो इसके अलावा टू सेक्शन दो सेक्शन हमनेक्शन को डिस्कस करने के बाद हम जाएंगे थर्ड सेक्शन पे राइट सो थर्ड सेटेंट सो मीडिया स्कॉलर फिलोसफर सेक्शन को आपको देखना ही है साथ ही साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो और भी बहुत सारे फ्रीली कॉन्टेंट है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करें कि आपको Uh, जो है पेड कोर्सेज के अलावा पेड स्टडी मटेरियल के अलावा और क्या क्या पढ़ना है और कहाँ कहाँ के पे क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है ठीक है तो हमने डिस्कस कर लिया आपको डेली मास कम्युनिकेशन क्विज हमने डिस्कस किया कि कहाँ पे क्या चीजें अवेलेबल है और उसके साथ साथ में हमने मीडिया थिंकर्स एंड पर्सनालिटीज भी डिस्कस किया कि, कि किस तरीके का कंटेंट है और किस तरीके का क्वेश्चंस हमने Uh, पूछा जाता है हमसे ठीक है तो सारी चीजें पढ़नी है आपको बहुत ही सारी चीजें पढ़नी यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ द कॉन्टेंट राइट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम विच हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हैव टू बी वर्क हार्ड आपको बहुत ही काम करने हैं बहुत ही एफर्ट लगाने हैं राइट सो दिस A, this section's first section and second section is important so once you visit the jamesstudyhub.com official website so you will get the lot of the content there and there is the section of the ugc net mass communication the all the freely content free content it is there which we are discussing now right shelly skip a third important thing it is that here इम्पॉर्टेंट मोस्ट मोस्टली इम्पॉर्टेंट जो आपका हैोल प्ले करता है आपके अगर इस बार के एग्जाम अगर आपने आ, नहीं देखे हैं तो प्लीज देखिए क्वेश्चन पेपर आपके साथ ही जिन्होंने पूछा है राइट right? uh, जिन्होंने दिया है एग्जाम को उनसे आप मिलिए राइट मीट विथ योअर फ्रेंड्स हुईम द एग्जाम ऑफ द यूज एंड उससे आप मिलिए बात कीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं राइट सो यूलो शेयर से क्वेश्चन सेवेंटी परसेंट ऑफ द क्वेश्चन राइट दिस सेक्शन सत्तर प्रतिशत से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इस सेक्शन से आया था इस सेक्शन से राइट right? सो लॉट ऑफ द फ्रॉम दिस ट इज दिस सेक्शन ये सेक्शन है क्या कि जिससे सेवेंटी परसेंटेज क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी बताता हूं क्विक रिविजन सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्विक रिविजन सेक्शन इज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच इज आस इन द एग्जाम राइट और यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड लाइक फॉर एग्जाम्पल व्लिक इन द फील्ड ऑफ द मास कम्युनिकेशन वॉट आर द कैटेगरीज इज जनरली मैं आपको बताऊंगा भी किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे इस एग्जाम में राइट right? अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो लिस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्रीज है यहाँ पे सारे अब तक के जितने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री वो सबकी लिस्ट है इसमें राइट लिस्ट ऑफ द न्यूज एजेंसीज इज देयर इन दिस

वार कमिटी वॉज ऑक्स राइट शरद पवार कमिटी कब बना ये क्वेश्चन पूछा गया था राइट दिस क्वेश्चन वॉज ऑक्स राइट वरदान कमिटी क्वेश्चन वॉज ऑक्स पीसी जोशी कमिटी क्वेश्चन वॉज ऑक्स कुलदीप नैयर कमेटी क्वेश्चन वॉज ऑक्स हाउ इट इज इम्पोर्टेंट दैट आईम फोकसिंग एंड कंसेंट्रेटिंग ऑन दिस थिंग्स राइट बहुत इम्पॉर्टेंट है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सेक्शन इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट यू शुड मेमोराइज राइट यूजी सीनेट मास कम्युनिकेशन की प्रिपरेशन करें यू चूज इन दर प्लेटफॉर्मसी स्टडी हेर दिपरेशन ऑफ यूज एग्जामलीफ यू फॉलो माई गाइडलाइन इफ यू फॉलो माई रूल्स इफ यू गो विथ माई स्ट्रैटी टू क्वालिफाई दैर एफ राइट वट एवर आई टेल यू शुड मस्ट फोकस इट यू शुड मेक द प्रोपर नोट्स हैंड रिटेन नोट्सो राइट वी ऑल प्रोवाइड द स्टडी मेटीरियल इन द डिजिटल फॉर्म बट पार्लली यू है नोट्स हैंड रिटेन

मेमोरी लेवल बढ़ाने का मतलब ये है कि आपको बहुत याद करना होगा राइट यू हैव टू मेमोराइज लॉट ऑफ द थिंग्स लॉट ऑफ द इयर्स लॉट ऑफ द ऑथर्स लॉट ऑफ द बुक्स राइट लॉट ऑफ द थिंग्स आर देयर विच यू हैव टू मेमोराइज हाउ विल यू मेमोराइज यू हैव टू You have to go with the strategy, right? How to memorize? So uh, we are very much having the last time. Only the two months are there, right? Two and a half months are there. In between of it, the application form will be out. In between of it, admit card may be out. So definitely, so we have to cover the syllabus as well. You have to memorize the things. You have to make the handwritten notes. You have to go through the study material, video lectures. You have to give the exams, right? So you should perform. लॉट राइट right? आपको बहुत सारे परफॉर्मिंग परफॉर्म uh, करना होगा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा ठीक है तो कैसे करना है क्या करना है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा ठीक है और मंडे से आपकी सिलेबस स्टार्ट हो गई आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है डोंट बी वरीड आई एम जस्ट वी हैव मेड ईच एंड फॉर यू हमने सारी चीजें बनाया हुआ है प्लान किया हुआ है कैसे आपको प्रोवाइड करना है राइट सो डोंट बी वरी डू नॉट टेक अ स्ट्रेस राइट एंड यू हैव टू फोकस ऑन द ऑन द योर नोट राइट एंड विच वॉटर वी विल प्रोवाइड यू से आपको फोकस करनी है ठीक है चलिए कुछ एजेंसीज की दे, देख लेते हैं लिस्ट ऑफ द न्यूज एजेंसी हो अगर लिस्ट ऑफ द न्यूज एजेंसी देखेंगे यहाँ पे आपको सारी न्यूज एजेंसीज जो है मैं रूटर्स कहाँ की न्यूज एजेंसीज है ताज कहाँ की न्यूज एजेंसी है ये सारी चीजें मेन्शन है राइट तो हो कहा की न्यूजेंसी जिनआ कहां की स्टडी मेटीरियलोराइज फॉर यू राइट सो यू विल गिव द एग्जाम सो यू सुड मेमोराइज राइट आपको मेमोराइज करना होगा करना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट इट इज लाइक द चेयरपर्सन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम दिस एरिया ऑल्सो द क्वेश्चन वर्क क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑर्डर ठीक है देखिए 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार दिसंबर 2022 में भी ये क्वेश्चंस पूछा गया था राइट दिसंबर 2022 द सेम क्वेश्चंस वाज आस्क्ड राइट नॉट प्रॉपर्ली द सेम बट द पैटर्न वाज द सेम राइट Pattern was the same, and the question was asked from here. Like the options were given options that's and you have to arrange in a sequence. This was given, this was given, this was given, this was given. And you have to arrange in a sequence so they can pick any of the uh, four. ऑप्शंस दे कैन गिव यू एनी ऑफ फोर ऑप्शंस एंड यू हैव टू अरेंज इन सीक्वेंस ओके सो दिस इज व्हाट इम्पॉर्टेंट इट इज ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है आपको ध्यान में रखना है ये सारी चीजें तो आपको बहुत इजली याद कर सकते हैं कुछ निमोनिक्स के साथ आप याद कर सकते हैं कि सबसे पहले चेयरमैन कौन थे ठीक है अभी रिसेंटली अपडेटेड नहीं है यहाँ पे आप देखेंगे तो रंजना प्रकाश भी जो अभी रिसेंटली बने हैं ये इट इज नॉट अपडेटेड इट विल बी अपडेटेड वेरी शॉर्टली सो आपको याद करना है ठीक है चलिए उसी तरीके से बहुत सारी चीजें बहुत क्विक रिविजन मेटेरियल से और भी ज्यादा अपडेट होंगे और भी सारे अपडेट होंगे यहाँ पे फेमस न्यूज ऑफ द वर्ल्ड है

You will not uh, have the extra time to memorize all these things. You have to parallelly cover entire things. Okay. So this is what it is important. So uh, still those who have not focused on uh, uh, the preparations, be focused. We will here guide you. We will here support you. We will here uh, design each and everything for you. राइट यू हैव टू बी फोकस वो सारी चीजें आपको फोकस करना पड़ेगा अगर इफ़ यू आर हेयर टू गिव फिफ्टी परसेंट आई विल गिव यू द फाइव हंड्रेड परसेंट राइट सो डेफिनेटली सो ट यू हैव टू फोकस इट ह्यर लाइकैलिटी हैं है, 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 और इन्होंने क्या आइडिया दिया क्या कॉन्सेप्ट दिया ये सारी चीजें इसको आपको याद करना होगा मैथ्स दूचा जाता है राइट मेरी ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन इज आइप ऑफ पैटर्न क्वेश्चन इन दर्मसोइंग So, तो साथ, साथ पेड वाला कॉन्टेंट जो आपने परचेस किया है प्रिपरेशन करने के लिए उसको हम अपडेट करेंगे और उसमें भी आप देखेंगे बहुत सारे अब बहुत अच्छे स्टडी मटेरियल आपको मिलेंगे और स्टडी मेटेरियल को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाने हैं

राइट right? सो so, आपको दोनों पे फोकस करना है बहुत लोग ऐसा करते हैं जैसे आ, पेपर टू जिनका अच्छा है बहुत अच्छा है वो क्या करेंगे बोलेंगे सेवेंटी क्वेश्चन हमारा तो सही हो गया राइट यू हैव स्कोर द वन फोर्टी बट ओनली ट्वेंटी राइट इन है पेपर वन सो दिस इज दिस इज अनबैलेंस्ड दिस इज अनबैलेंस्ड if you are solving 70 questions it means 70 percentage questions you are right right similarly here in the case of the 50 questions out of 50 questions you have to make correct 35 questions up to 35 to 40 questions you have to correct right so how will you correct you have to balance the each and every paper up to paper could balance karna hoga okay ये कैसे किया जा सकता है इसके लिए हमें आपको बताऊंगा बहुत सारे options से बहुत सारे चीजें हैं आ, कैसे तैयारी करनी है

बहुत ही अच्छे से क्योंकि अभी अपने पास टाइम है अभी हमने आज इंट्रोडक्शन क्लास हमने लिया और डिस्कस किया अभी हमारे पास टाइम है संडे राइट बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द मंडे सो वर्ड सो दो नॉट परचे स्टिल दे कैन परचेज नाउ एंड यू यू कैन रिकमेंड टू परचेज यू कैन रिकमेंड रिकमेंड देम टू कम ह्यर एंड स्टार्ट देश चीजें नहीं दिया जा रहा है सभी चीजें थोपा नहीं जा रहा है आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप कोर्सेस को परचेज कर सकते हैं लॉट ऑफ द थिंग्स आर देयर राइट सो इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज यू हैव पर लाइक फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हैं कि बाई यूजीट कोर्सेज पे आप जाकर बहुत सारे कोर्सेज की अवेलेबल है यहाँ पे पेपर वन पेपर टू कॉम्बो ये सारी चीजें अवेलेबल इस तरीके कोर्से आपकी के कोर्सेज आपके कन्वीनियंस के हिसाब से हैं तो आप बता सकते हैं वहां पे आप कोर्सेज परचेस कर सकते हैं तो दिस वाज व्हाट अबाउट वी हैड द इंट्रोडक्शन क्लासेस और हम सिलेबस की स्टार्ट करेंगे पेपर वन का जो आपका मंडे से स्टार्ट होगा राइट कल हम एग्जाम नहीं करेंगे तो मोरू देयर विल नॉट बी इन नो एग्जाम्स बी रिलैक्स आप रिलैक्स होइए कंटेंट को एक्सप्लोर कीजिए रिसोर्सेज को देखिए क्या है जेम्स स्टडी हब प्लेटफॉर्म को समझने की आ, कोशिश कीजिए क्या प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है और अगर आप अच्छे से कंटेंट को देखेंगे बहुत सारे कंटेंट हैं बहुत सारी अच्छी चीजें हैं और आप यूजीसी नेट एग्जाम के क्वालिफाइड एस्पेरेंट्स की, की टेस्टिमोनियल को भी आप पढ़ सकते हैं टेस्टिमोनियल भी आपको मिल यहाँ पे आपको अवेलेबल होता है जिन्होंने क्वालिफाई किया है अगर नेट जर क्वालिफाइड एस्पेरेंट्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उनके जो इन लोगों ने क्वालिफाई किया है उन सारे की टेस्ट है तो यहाँ पे आप ये सारे डिटेल्स पढ़ सकते हैं राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट विच वी हैड डिस्कस्ड एंड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आप अपनी अपनी कमर जो है बांध लीजिए और डेफिनेटली Uh, हम स्टार्ट करेंगे एक अच्छे जर्नी के साथ और डेफिनेटली वी विल बी एबल टू क्वालिफाई जे आर एफ दिस टाइम राइट बहुत ज्यादा हम इस नंबर में क्वालिफाई करेंगे बहुत अच्छी स्ट्रेटी के साथ हम पढ़ाई करेंगे राइट सो थैंक यू टू एवरीबडी थैंक यू सो मच अगर कोई डाउट है अगर आपको तो प्लीज पूछिए प्लीज बताइए क्या चीजें हैं क्या चीजें जानना चाहते हैं क्योंकि हम मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है चलिए बताइए एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड टू टेल इज एनी थिंग देन प्लीज